अगर आप गहरे ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं तो जो आदतें मैं आपको बताने वाला हूँ अगर वो आप छोड़ देते हैं, आप त्याग देते हैं, तो आप ध्यान में आसानी से उतर पाएंगे। और अगर एक बार आप ध्यान में उतर गए तो फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, मन में आपके शांति ही शांति होगी। आखिर वो कौन सी आदतें हैं जो ध्यान में रुकावटें पैदा करती हैं? चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध नगर नगर घूमकर ध्यान का प्रचार कर रहे थे। इसी काम के लिए उन्होंने बहुत से भिक्षुओं को शिक्षा देकर और ज्ञान देकर उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेज दिया था, जो बुद्ध की तरह ही अलग अलग नगरों में उनकी सीख और उनके ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। ऐसे ही एक बौद्ध भिक्षु उत्तर भारत के गाँव में आया हुआ था। वहाँ पर रहकर वो गाँव वालों को ध्यान की शिक्षा दिया करता था और वहीं से भिक्षा मांगकर खाया करता था। वह सुबह और शाम गांव के लोगों को बुलाकर ज्ञान के ऊपर उपदेश और ध्यान की प्रक्रिया कराता था। ऐसे ही एक दिन चंद्र नाम का एक युवक अपने बहुत सारे मित्रों के साथ वहां पर ध्यान करने के लिए आता है, लेकिन 10 दिनों तक ध्यान लगाने के बाद भी उसके अंदर कोई आनंद पैदा नहीं हुआ। इससे उसका मन ध्यान से हटने लगा, लेकिन चंद्र बहुत ही दृढ़ संकल्पी आदमी था। वो कैसे भी करके ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए एक दिन संध्या समय उसने उस बौद्ध भिक्षु से एक सवाल पूछा। चंद्र ने कहा कि गुरुदेव, आप हमें ये तो बताते हैं कि ध्यान करते समय किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए, क्या काम करने चाहिए, क्या आदतें अपनानी चाहिए। आप हमें सब कुछ बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं ध्यान में उतर नहीं पा रहा हूँ। क्या आप मुझे वो आदतें, वो चीजें बताने की कृपा करेंगे जो मुझे ध्यान के लिए अपने जीवन से हटा देनी चाहिए, मतलब वो आदतें जो मुझे ध्यान के लिए छोड़ देनी चाहिए। ये सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अक्सर इंसान को लगता है कि मैं ये करके ध्यान में बैठूंगा और ध्यान में बहुत गहरा उतर जाऊंगा, और वो जब एक घंटे ध्यान करता है तो उसे कुछ गहराई हासिल नहीं होती। अब समझने की बात ये है कि ध्यान कोई खेल कोई काम नहीं है जो आपको एक घंटे में ही करना है। ध्यान जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का तरीका है। इसीलिए जीवन के हर एक कार्य में ध्यान का होना बहुत जरूरी है, वरना तो आप एक घंटे के ध्यान में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अक्सर लोग ध्यान की एक दिनचर्या बना लेते हैं, वो सुबह और शाम रोज ध्यान करते हैं, लेकिन वो ध्यान तभी कारगर होगा जब आप दिन में काम करते वक्त, उठते बैठते वक्त, पीते वक्त भी ध्यान के बारे में समझते रहते हैं, और उसी जीवन शैली के कारण आपका वो एक घंटे का ध्यान गहरा बनेगा। इसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुम कुछ आदतें कुछ बातें अपने जीवन से हटा दो तो ही तुम्हें ध्यान के गहराई में उतरने के लिए आसानी होगी, लेकिन वो आदतें हैं क्या? और अगर ऐसी आदतें हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए तो उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? इस बात का जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि सबसे पहले याद रखो कि हमारी इंद्रियां ही ज्ञान की ग्रहणशील होती है। हम कोई भी अच्छा या बुरा ज्ञान अपने इंद्रियों के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। इंद्रियां मतलब आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, और इसी तरह से और सारे इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो ये बात यहाँ पर समझने की होती है कि हमारी इंद्रियां क्या ग्रहण कर रही है। इसके लिए हमें सचेत होना पड़ेगा, हमें सतर्क होना पड़ेगा कि हमारी आँखें क्या देख रही है, हमारे कान क्या सुन रहे हैं, और जो हम देखते हैं जो सुनते हैं तो वही ज्यादा विचार हमारे ध्यान में वापस घूमकर लौट आते हैं, जिससे हम ध्यान पर नहीं उतर पाते। अगर हम अपने पांच इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं, जैसे कि हम अपनी आँखों से क्या देख रहे हैं, हम अपने कानों से क्या सुन रहे हैं, हम अपनी जीभ से कैसा स्वाद ले रहे हैं, हमारी त्वचा पर कैसा स्पर्श या कैसा अनुभव देती है, और हम अपनी नाक से कैसी सुगंध ले रहे हैं, अगर हम अपने जीवन में इन सभी इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो हम निरंतर अपने बुरे विचारों को इंद्रियों के माध्यम से बाहर भेज सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम सचेत रहेंगे। जैसे कि अगर हमें किसी ने गाली दी, हमें पता है कि हमारी कानों ने गाली सुनी, लेकिन हमने वो ली ही नहीं, हमने उस गाली को अपने अंदर जाने ही नहीं दी, और वही कान जब ज्ञान का उपदेश सुनते हैं तो वो पूरा ध्यान लगा देते हैं, पूरे सचेत होकर पूरे होश में वो ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर की सारी इंद्रियां हमें अलग अलग अनुभव देती है, जैसे कि किसी वेश्या का स्पर्श और एक माता का स्पर्श
दोनों के स्पर्श में बहुत अंतर होता है, लेकिन अगर हम सचेत होंगे तो दोनों के स्पर्श को हम अलग अलग तरीके से अनुभव कर पाएंगे और ये देख पाएंगे कि किस स्पर्श के कारण हमारा मन अशांत होता है। और वो दूसरी आदत, जो एक नवयुवक जो अभी अभी ध्यान करने के लिए लगा है उसकी प्रक्रिया में बाधा बनती है, वो है संयम। हर इंसान अपने जीवन में सब कुछ बहुत ही जल्दी पाना चाहता है और ये ध्यान के संबंध में भी सच हो जाता है। जब आदमी ध्यान करता है तो सोचता ये है कि मैं एक घंटे तक ध्यान करूंगा, लेकिन वो 5 मिनट के अंदर ही ध्यान की गहराई में जाना चाहता है। लेकिन ध्यान तो एक ठहराव है, ध्यान तो रुक जाना है, ध्यान ठहर जाना है, थम जाना है। जरा सोचिए, क्या जल्दबाजी करके हम ठहर सकते हैं? क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? जल्दबाजी थम जाना ही नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप कभी ठहर नहीं सकते, और अगर आप ठहर जाते हैं तो आप कभी जल्दबाजी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान में गहरे उतरने के भाव को, ध्यान के कुछ हासिल करने के विचार को, सोच को त्याग दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि वही विचार वही अनुभूति तुम्हें ध्यान की गहराई में जाने से रोक देगी। कुछ हासिल करने की सोच लेकर यहाँ पर कुछ हासिल नहीं होता, खाली हाथ लौट जाओगे और बाद में पछताओगे कि मैंने तो मेहनत की पर फिर भी मुझे ध्यान से कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि तुम कुछ पाने के मकसद से गए थे, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। और जिस दिन तुम कुछ पाने के मकसद से नहीं, कुछ देने के मकसद से ध्यान करोगे तो तुम ध्यान की गहराइयों को छुपाओगे, तो तुम्हें अनुभूति होगी कि ध्यान क्या है और ध्यान का आनंद क्या है। इसीलिए अपने जीवन में संयम रखो, सब्र रखो। सब्र का फल हमेशा ही मीठा होता है, यह हमने सुना तो है, लेकिन क्या आपने इसका कभी अनुभव किया है? लेकिन अगर आपको जीवन के आनंद को अनुभव करना है तो संयम और सब्र ये आपको अपनाना होगा और जल्दबाजी की आदत छोड़नी होगी। चाहे आप कोई भी काम करें, कुछ भी काम करें, आराम से करें, कुछ भी जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जल्दबाजी करने से या संयम रखने से उस काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो काम फिर भी पूरा होगा। अगर हम अपने जीवन में अपने काम के प्रति संयम रखते हैं तो हो सकता है उसमें ज्यादा समय लग जाए, लेकिन वो वक्त ही आपके लिए ध्यान का अनुभव बन जाएगा। इसीलिए संयम रखें, सब्र रखें और सब्र से ही काम करें। तीसरी आदत जो आदमी को ध्यान की गहराई में उतरने के लिए छोड़ देनी चाहिए वो है कि ज्यादा लोगों से दोस्ती। आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, आपको तो लगता होगा कि ज्यादा से ज्यादा दोस्ती करने से हमारा वर्चस्व फैलेगा, लोग हमें जानेंगे, पहचानेंगे। लेकिन ध्यान के संबंध में ये आदत आपके लिए बाधा बन सकती है। अब सोचिए कि ज्यादा लोगों से दोस्ती कैसे बाधा बन सकती है। जब आप ज्यादा लोगों से दोस्ती रखते हैं, इसका मतलब है आप अपने एकांत का आनंद ही नहीं उठा पा रहे। आपको खुश रहने के लिए, जोश में रहने के लिए लोगों की सहायता चाहिए होती है, और इसीलिए आपने बहुत से लोगों से दोस्ती बना रखी है, लेकिन वो दोस्त या दोस्ती आपको अपने एकांत तक नहीं पहुंचा सकता, आपको अपने आनंद तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो दोस्ती आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। तो क्यों ना आज से ही मैं अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लूं और अपने एकांत की यात्रा शुरू करूं। और इस संबंध में और एक समस्या पैदा होती है, तुम्हें ज्यादा समय उनके साथ बिताना पड़ता है, उनको खुश करने के लिए तरह तरह के काम करने पड़ते हैं, और यही बात लागू होती है ज्यादा प्रेम संबंधों में। जो आदमी बहुत ज्यादा लव रिलेशनशिप रखता है, मतलब बहुत ज्यादा औरतों के साथ संभोग करता है, उनके साथ रहता है, ऐसे आदमी के चित्त से भी शांति गायब हो जाती है, क्योंकि उसका दिमाग, उसका मन उसी तरफ बढ़ता रहेगा, उसी की ओर आकर्षित रहेगा। और आज नहीं तो कल जब वो ध्यान में बैठेगा तो उन्हीं के चित्र, उन्हीं दोस्तों के, उन्हीं औरतों के बार बार उसके ध्यान में घूमते रहेंगे। इसीलिए जितना हो सके कम लोगों से दोस्ती रखो, ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो ध्यान के तरफ अपनी यात्रा शुरू कर रहे हो, ताकि जब आप उनके साथ बैठो तो आपकी चर्चाएं व्यर्थ ना हो। किसी दूसरे से उम्मीद या आकांक्षा आपको हमेशा दुख देगी। चौथी आदत, दूसरों को खुश करना बंद कर दो। यानी जब आप नहीं चाहते कि मैं उस काम को करूं क्योंकि उससे मुझे दुख मिलता है, पर हम दूसरों की खुशी के लिए उस काम को कर देते हैं, यानी आपको आपके दोस्त ऐसे काम को करने के लिए कहते हैं जो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, पर आप उनकी खुशी के लिए वह काम कर देते हैं,
परंतु दूसरे लोग तो खुश हो जाते हैं, पर कुछ देर बाद हमारे मन में हमें अशांति महसूस होती है और अंदर से दुख भी हो रहा होता है। इसीलिए खुद को दुखी करने से बेहतर है कि आप दूसरों को खुश करना बंद कर दें, वरना आप हमेशा अशांत रहेंगे और अशांत रहने के कारण आप ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दूसरों को खुश करना बंद कर दो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इस कहानी से बहुत कुछ मूल्यवान सीखा होगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।